वंदे मातरम पिलाने आमे पर गत पीरियड रे पढ़ी कौन ना जीवजंतु की बुलिया आज आम पंचम अध्याय पहुँची जाइए तेणु अपना हाथ जगन्नाथ पढ़ेबा तेणु यही अपना हाथ जगन्नाथ अर्थ कौन से विषय बा कौन से विषय आम जाणिया पूर्वर गोटे सेकेंड आम परम प्रभु श्री अरविंद और करुणामयी माँ का उद्देश्य नीर प्रार्थना कर तेणु निज आम निज हाथ होती भगवान सदृश यही कथा कहुए इस पार्ट में आप बच्चों को बचा बताया गया कि परिश्रम करने से परिश्रम करके कमाए वा धन सबसे बड़ा धन है वो परिश्रम की कमाई से मन को असीम संतोष और शांति मिलती है। परिश्रम करने से परिश्रम करके जो हमें रोजगार करते हैं उस रोजगार करके खाना बहुत खाना खाने से बहुत आनंद मिलता है। चोरी करके खाने से परिश्रम करके खाने से बहुत आनंद मिलती है तेणु परिश्रम करके कमाए धन हो सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हें परिश्रम कर पांच पैसा रोजगार करथिबो जदि बेकार भाव में खर्च करदेव बा हजि जाए तुम्हें कौन करुच ना मन दुख करुच किंतु तुम्हें जदि फाउ मारिकी बा का पाखु आणिकी सेटा हजि जाए बा कह हे जाऊ कौन अच्छी इंती कहुच किंतु परिश्रम करिकी खाइबा सबुठारु आनंददायक कारण भगवान हमको एक अमूल्य धन दिया है क्या हाथ हाथ आँख पैर एक एक अमूल्य धन है तेणु उसको हमें कार्य करके वा परिश्रम करके धन अर्जन बा कमाई करने से परिश्रम करके कमाई करने से हमको आनंद मिलती है। तो हम इस विषय में यही विषय अपना हाथ जगन्नाथ आज पढ़ाऊ। इस पाठ में बच्चों को बता गया है कि परिश्रम से कमाई हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। परिश्रम की कमाई से मन को असीम संतोष मिलता है। इटा गोटे नाटक से मु पढ़ुची तमें शुण। सेठ हीरामल अपनी दुकान पर बैठे एक जोबा भिकारी वहाँ से आता है। तो एक हीरामल का दुकान है। सेठ हीरामल दुकान पर बैठे थे तो इस समय एक जोबा भिकारी वहाँ पहुँचा और तो पहले भिकारी ने बोला कौन भिकारी भगवान के नाम पर एक रुपये दे दीजिए सेठ जी सुबह से भूखा हूँ मुँह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। भिखारी ने कहा तापरे हीरामल सेठ हीरामल कहते हैं तुम प्रतिदिन आकर यही कहते हो भीख मांगने तुम्हें शर्म नहीं आती तुम अभी जुबा हो कोई काम क्यों नहीं करते। भीख मांगने वाले व्यक्ति जीवन भर के लिए निकम्मा और आलसी बन जाता है। भिखारी सर जी आज मना मत कीजिए करिए भूख के मारे प्राण निकल जा रहा है आप धर्मात्मा हैं धर्मात्मा है बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हीरामल नहीं मैं तुम्हें एक फूटी कड़ी भी नहीं दूंगा। जानते हो भीख मांगना एक अभिशाप है
जाकर कोई काम करो। भिखारी, इधर उधर घूमता रहा, उसे कोई भीख नहीं देता। अंत में वो सेठ हीरामल के घर पहुंच चुका है। घर में सेठ जी की पत्नी भिखारी, तबरे भिखारी को जी, सठानी जी, आज सुबह मैं मुँह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है, कुछ खाने को दे दीजिए। तबरे सठानी, क्या आज सेठ जी ने तुझे कुछ नहीं दिया? भिखारी, नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से भाग दिया। सठानी, क्यों? भिखारी, वह कह रहे थे कि मेहनत करके खाना चाहिए। सठानी, वे ठीक ही तो कह रहे थे, तुम हट्टे कट्टे हो, सुस्त हो, मेहनत करके ही खाना चाहिए। भीख तो अपंग और अपाहिज मांगते हैं। भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, उन हाथों से कमा कर खाओ। अपनी कमाई खाने से जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। लो, आज मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ, किंतु काल से वहाँ मौत आना। मैं जेती पड़ीबा कौन ना अपना हाथ जगन्नाथ, अपना माने निजर हाथ होती स्वयं प्रभु जगन्नाथ बलियार भुज चकाडुरा हम हाथ गुड़ी। इस पाठ में बच्चों को बताया गया कि परिश्रम से कमाए हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। यही पाठ रे पिला मानों को कहा जाए जे परिश्रम करके कमाई थिबा धन सबुठारु भल अटे। परिश्रम की कमाई से मन को असीम संतोष मिलता है। परिश्रम करने से मन को आनंद और संतोष मिलता। तबरे सेठ हीरामल अपनी दुकान पर बैठे, एक युवा भिखारी वहाँ से आता है। तुमने नाटक में देखती हूँ, देखते हैं क्या? ना नाटक में एक घर है, बैठे खाना है, इनकी तेणु तुम्हें समस्ते नाटक देखिथ। नाटक रे घर बैठक खाना ये सब करा जाए था। सेठ समस्ते बसता नाटक समस्त देखिथ, तुम नाटक करिछ। तेणु सेठ हीरामल ता दुकान सेठी सेठ माने धनी, सेठ माने धनी धनी हीरामल ता निज दुकान रे बसिछि। सही समय रे दुकान खोलिकि बसिछि, सही समय एक जुबा भिकारी माने जुवक भिकारीटी वृद्ध नुहे बा विकलांग नुहे कि बुढ़ा नुहे, जुवक भिकारी कौन कला ना प्रवेश कला आसला। आसी कौन कहला भिकारी सेठ हीरामल को? ना भगवान के नाम पर एक रुपये दे दीजिए सेठ जी। हे सेठ जी, भगवान देखिबो जो माने मागिथिव तुम्हें देखिबो प्रत्येक रेलवे स्टेशन बा बस स्टैंड रे छोट छोट पिला बा युवक माने भगवान को नाम नहीं कि कौन करती पैसा मागती। कारण भगवान को नाम ने लोक धर्म हम यही भय से कौन करती ना पैसा गुड़क दे था। तेणु सी कौन कला ना आसी कहला भगवान को नाम उपर एक टंका दे दीजिए। ए जे समय विषय लगे से समय एक टंकार मूल्य बहुत किसी बर्तमान समय पर नथिला। सर जी, शुभ से भूखा हूँ, मुँह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। मु सकाळ ठारु भुकिला अछि, मुँह रे एक दाना मध्य नहीं नाही। हीरामल, तुम प्रतिदिन आकर यही कहते हो, तुम्हें प्रतिदिन आसिक मते। तापर हीरामल कहुछि जे तुम नाटक देखिथिबो जणक रूल सरीला, आउ जणक कहे ठीक छै बोली एटा गुटे नाटक। से नाटक रे भिकारी रो रूल सरीगला। तापर हीरामल रूल आसला, हीरामल कहला तुम प्रतिदिन आकर यही कहते हो, तू प्रतिदिन आसिक या कहु भेक मांगते तुए शर्म नहीं आती? तत भिक मांग को शर्म आसुनी? गाड़ी दे नाजमण नहीं शर्म लगुनी सेमती गाड़ी दे। तुम अभी युवा हो, तुम वर्तमान युवक, कोई काम क्यों नहीं करते? कौन सी काम कौन पाई करू ना? भेक मांगने वाले व्यक्ति जीवन भर के लिए
निकम्मा और आलसी बन जाता है। जे भिक मागे जीवन सारा से कुड़ी निकम्मा मैंने काम जे न करे अलसुआ काम करे से निकम्मा एवं आलसी अलसुआ हो जीवुत भेकारी तापरे भिकारी कहते सर जी आज मना मत कीजिए आज मत मना करूँ ना भूके मारे प्राण निकल जा रहा है अतिशय तक भूक लगी कहे भूक मो प्राण बाहरी जाऊँगी आज मत आदू मना करूँ आप धर्मात्माए बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया। तेणु साधारण जो मैंने भिक मांगती धर्म हम तोर मंगल हम तो पुअर मंगल हम तो पर मंगल कहीं मागती तेणु सी टेकदे लोक टे खुशी आती खुशी की पैसा दे दिखती ये ठीक सेमती कहला आपण हो धर्मात्मा तेणु मु उम्मीद मैंने आशा नहीं करी आपण पाखक आसी मत दया करूँ हीराम नहीं मैं तुहे एक फुटी कड़ी भी नहीं दुगा मु तते गोटे फटा ओधला कहती मैंने गोटे पैसा मध्य तते देवी ना जानते हो भिक मागना एक अभिशाप जानी भिक मागवा एक अभिशाप अटे जाकर कोई काम करूँ जाकर किसी कम कर पैसा रोजगार कर किए कहला हीरामल कहला भिकारी तापर भिकारी इधर उधर घुमता रहा एपट सेपट है घूरला उसे कोई भिक नहीं देता ताकु कहीं भिक देले नहीं। अंत में वो सेठ हीरामल के घर पहुँचता है घर में सेठ जी के पत्नी है तेणु जा घर पहुँचला दुकान जा घर पहुँचिक स्त्री को निकट में पहुँची गला जा कौन कहला भिकारी कहला सेठा सेठानी जी आज सुबह से मुँह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है मु आज सकाल ठारू अन्नर गोटे दाना मध्य नहीं ना कुछ खाने को दे दीजिए किसी खाइबा को मत दे दिंतु सेठजी हेले पुलिंग तांकर स्त्रीलिंग रहला सेठानी सेठ सेठानी जी लगी कौन पाई ना सेठजी एटे मान्य कराई बा तांकु सम्मान कराई से सेठजी एवं सेठानी जी कह क्या आज सेठजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया सेठानी तापरे सेठजी पत्नी सेठानी कौन कहले क्या आज सेठजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया आज कौन सेठानी ने तुमको किसी दे ना भिकारी नहीं उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया ना मत आज किसी देले नहीं मत सेठारू से भगई सेठानी क्यों कहीं भिकारी वह कह रहते कि मेहनत करके खाना चाहिए से कहले मेहनत करवा परिश्रम कर खाइबा उचित सेठानी वह ठीक ठीक ही तो कह रहे थे से तो मज ठीक कही हटे कटे हो वे कौन पाईला उला उहर बहु वचन है वे वे जेहेतु एटी तो वे क्या कहुई ना सेठजी की सेठजी जेहेतु एक जड़े लोक से उह हवा कथा वे कौन पाईला ना वे एपला जत एक मान्यार्थे बा सम्मानस्पद लोक पाखे उह जगार एक बचन जगार बहु वचन हो थाए से एटी उहे ठीक ही तू कह रहे थे तुम हटे कटे हो सुस्त हो तुम्हें सुस्थ सबल मोटा सुस्थ लोक मेहनत करके ही खाना चाहिए मेहनत करी खाइबा उचित भिक तो अपंग और अपाहिज भिक हूँ विकलांग जे मैंने छोटा केंपा कोजा अंध यही मैंने कौन करती मागती भगवान ने तुहे तो हाथ दिए भगवान तुमको हाथ दे उन हाथों से कमा कर खाओ से ही हाथ रे तुम्हें कमई बा परिश्रम करी खाओ अपनी कमाई खाने से जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता निजे कमाई करी खाइले जो आनंद प्राप्ति हुए ता अन्य सुखरू मिले ना लो आज मैं तुहे भोजन दे देती हूँ मुझे आज भोजन किंतु कल से वहाँ मोटा आना काल ठारू एठाकु तुम्हें आस ना ये जी पढ़ी
तार किछि कठिन शब्द तुम्हें मैंने लेख। ଆମେ ଯେଟା ନିକମା କହୁ କାମ ନ କରିବା ବୋଲେ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ, ଏଇଟା କୁଡ଼ିଆ କହୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିକମା। ଉମିଦ ଆଶା ଖଟେ ଖଟେ ବା ତାଗିଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମୋଟା ସୋଟା ଯେଟା କହନ୍ତି। ମୋଟା ବା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅପଙ୍ଗ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅପଙ୍ଗ ମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଅପାହିଜ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ବୃଦ୍ଧ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅପାହିଜ କୁହାଯାଏ। ଅସମର୍ଥ କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପାହିଜ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଅପାହିଜ କୁହାଯାଏ।
जतिक पढ़िली तार ये कठिन वार्ड गुड़िक तुमने खातारे लेखिनियो। शुभ सका अन्न भात बा अनाज बा भात जातीय पदार्थ युवा युवक निकमा काम करिया बाला ओमी दासा हट्टे कट्टे मोटा बा सुस्थ सबल अपंग विकलांग अपाहिज काम करने को असमर्थ एगुड़िक गला। तेणु आज आज भाई एतिक तेणु यही परवर्ती पीरियड में अवशिष्टांश पढ़िया। वंदे मातरम।